आपका जो बयान आता है, आपकी जो बातें आती हैं, वो स्क्रिप्टेड होता है। और ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो स्क्रिप्ट करके आपको बातें दी जाती हैं, वही बातें आप कहते हैं। किसान किशोर जी, सबसे पहले ये बताएं कि आप पीआर एजेंसी के माध्यम से अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं या राजनीतिक रूप से स्थापित करना चाहते हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। राजद के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने एक बार फिर से जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पर निशाना साधा है। दरअसल उनका साफ तौर पर कहना है कि प्रशांत किशोर को जो बीजेपी के द्वारा स्क्रिप्ट दिया जाता है कि आपको यही बोलना है, वो वही लेकर और वही बोलते हैं। वो जो भी बोलते हैं वो सब कुछ बीजेपी के द्वारा स्क्रिप्टेड रहता है। बाकी इस पूरे मामले पर एजाज अहमद का क्या कुछ कहना है, आप उनकी बातों को सुनिए। प्रशांत किशोर जी, सबसे पहले ये बताएं कि आप पीआर एजेंसी के माध्यम से अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं या राजनीतिक रूप से स्थापित करना चाहते हैं? क्योंकि आपका जो बयान आता है, आपकी जो बातें आती हैं, वो स्क्रिप्टेड होता है। और ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो स्क्रिप्ट करके आपको बातें दी जाती हैं, वही बातें आप कहते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि लालू प्रसाद जी ने जो सामाजिक न्याय के लिए योगदान दिया है, लालू प्रसाद जी ने जो बिहार के लिए योगदान दिया है, उसको आगे बढ़ाने का बेहतरीन तरीके से अगर कोई काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सामाजिक, राजनीतिक और नौजवानों के भलाई के लिए कोई काम कर रहे हैं, तो उसका नाम है तेजस्वी प्रसाद यादव। तेजस्वी प्रसाद यादव युवाओं के लिए आइकॉन बन चुके हैं। युवाओं के बीच में उनकी जो लोकप्रियता है, उनके जो कार्यशैली है, उसको बिहार का एक एक नौजवान, एक एक छात्र और एक एक आवाम पसंद कर रहा है। बिहार के लोगों के हितों के लिए, बिहार में बेहतरी के लिए, बिहार के विकास के लिए माननीय नीतीश कुमार जी के साथ मिल करके तेजस्वी प्रसाद यादव जी जिस तरह से नौजवानों को रोजगार देने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से नौजवानों को नौकरियों और नौकरियों के मामले में बिहार में एक नजीर प्रस्तुत किए हैं, उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो जैसा कि राजद के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद का साफ तौर पर कहना है कि प्रशांत किशोर जो भी बोलते हैं वो बीजेपी के द्वारा होता है, बीजेपी के द्वारा स्क्रिप्टेड होता है और उन्हें वो दिया जाता है जिसे वो खुद पढ़ते हैं। बाकी उन्होंने बिहार में युवाओं को जो रोजगार मिल रहा है उस पर उनका साफ तौर पर कहना है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बिहार में युवाओं को रोजगार मिल रहा है और ये आगे भी मिलता रहेगा, और ये काम सिर्फ बीजेपी वाले नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के निर्णय में किया गया है। बाकी इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे एक न्यूज 24। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए और अगर यही वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।